हेलो और वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन टूडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस यू नो वन ऑफ़ द डाउट ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ अ स्टूडेंट ये क्वेश्चन में डाउट था एक स्टूडेंट को ये आपका जो क्वेश्चन है ये है आपका एब्जॉर्बन वर्सेज वेरी वेरिएबल कॉस्टिंग का आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मे बी और किसी का भी डाउट हो तो हम ये क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस करने वाले हैं ऐब्जॉर्प्शन वर्सेज वेरिएबल कॉस्टिंग का ठीक है अब इसमें डाउट पता है मेनली क्यों आता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है सो फर्स्टली यू हैव टू नो कि वट इज़ द डिफरेंस वॉट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग राइट तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग uh, की तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं एंड वेरिएबल कॉस्टिंग में आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ते हैं ठीक है ओके तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि पहले दोनों में क्या डिफरेंस होता है अगर मैं फर्स्ट पॉइंट बोलूं एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल कॉस्टिंग का ना तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेसिकली आपकी टोटल कॉस्ट आती है टोटल कॉस्ट का क्या मतलब है कि इसके अंदर आपकी जो है वो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों आती हैं यानी कि एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट को भी इन्वॉल्व करता है और वेरिएबल कॉस्टिंग को भी इन्वॉल्व करता है ओके okay? और ये चार्ज होता है आपके कॉस्ट ऑफ व्हेन वी कम्स टू वेरिएबल कॉस्टिंग तो वेरिएबल कॉस्टिंग में ना आपका सिर्फ क्या आता है ओनली वेरिएबल कॉस्ट आता है ठीक है तो इफ़ यू सी फर्स्ट डिफरेंस तो क्या है एब्जॉपन कॉस्टिंग में तो आपका टोटल कॉस्ट में आपका फिक्स और वेरिएबल दोनों इंक्लूड होता है लेकिन वेरिएबल कॉस्टिंग में सिर्फ आपका क्या आता है वेरिएबल कॉस्ट आता है ठीक है पहला डिफरेंस तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि आपका जो होता है आपका फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व होती है फिक्स कॉस्ट जो है इसमें इन्वॉल्व होती है जो इसका कॉस्ट होता प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में आपकी फिक्स कॉस्ट भी इन्वॉल्व करेंगे मतलब जब हम कैलकुलेट करेंगे आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट तो उसमें हम फिक्स कॉस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं ठीक है लेकिन जब हम अगर वेरिएबल कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं तो वेरिएबल कॉस्टिंग में आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में हम जो है वो आपका फिक्स कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं क्या नहीं करते फिक्स कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं करते दिस इज़ द ओनली डिफरेंस इस फिक्स कॉस्ट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं आपका जो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं मतलब मैं जब वेरिएबल कॉस्टिंग से किसी कॉस्ट की प्रोडक्ट निकालूंगी ना तो तब मैं उसमें फ़िक्स कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करूँगी तो मैं ये जो फ़िक्स कॉस्ट होगी वो कहाँ डाल दूँगी इस फिक्स कॉस्ट को

ओके अगर नेक्स्ट डिफरेंस पॉइंट की बात करूँ तो जब आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करोगे ना ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करोगे तो ये किस पे वैल्यू होंगे आपके ये वैल्यू होंगे आपके टोटल कॉस्ट पे यानी कि जब आप ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकालोगे उसको सॉरी उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो टोटल कॉस्ट होगी उसमें आपकी क्या इन्वॉल्व होगी उसमें फिक्स कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी लेकिन जब मैं आती हूँ वेरिएबल कॉस्टिंग में तो जब मैं आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करूँगी तो इसमें जो टोटल कॉस्ट नहीं आएगी मतलब इसमें फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें आपकी सिर्फ क्या होगी वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व होएगी ठीक है तो ये आपको पॉइंट जो हैं जब आप क्वेश्चन करते हो जहाँ पे आपको एक वही चीज़ पहले एब्जॉर्बन कॉस्टिंग से निकालनी है वही चीज़ फिर आपको वेरिएबल कॉस्टिंग से निकालनी है तो यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड वाइल डूइंग द क्वेश्चन ठीक है चलो अब हम आपका क्वेश्चन नंबर टू कैसे सॉल्व करेंगे हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं अब आपका देखो क्वेश्चन नंबर टू है मैं इस पर ये जो है आपका हाईलाइट नहीं कर पाऊँगी ठीक है बट मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो आप ध्यान से पढ़ेंगे आपका जो है एक्स जेड ई डी लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट रुपीज़ थ्री पर यूनिट मतलब उसको प्रोडक्ट को कितने पे सेल करता है तीन रुपये पर यूनिट पे सेल करता है ठीक है द कंपनी यूजर्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक्चुअल कॉस्टिंग सिस्टम मतलब कंपनी क्या यूज करती है कि जो चीज़ पहले आई उसको पहले हम बेचेंगे मतलब पहले मैंने पहले मैंने इन किया तो उसको पहले आउट कर दूंगी ठीक है एंड न्यू फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवर हैड एलोकेशन रेट इज कंप्यूटेड ईच ईयर बाई डिवाइडिंग द एक्चुअल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवर हैड कॉस्ट बाय द एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट देखो यहाँ पे क्या ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि न्यू फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एलोकेशन रेट को हम कैसे कंप्यूट करेंगे डिवाइड करेंगे एक्चुअल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट से अब इसका क्या यूज़ होगा वो मैं आपको बताती हूँ द फॉलोइंग सिंप्लीफाइड डाटा आर रिलेटेड टू इट्स फर्स्ट टू ईयर्स पहले साल की इन्फॉर्मेशन दी है दूसरे साल की इंफॉर्मेशन दी है आपको प्रिपेयर करना है इनकम स्टेटमेंट निकालनी है एब्जॉर्बन कॉस्टिंग से और आपको इनकम स्टेटमेंट निकालनी है वेरिएबल कॉस्टिंग से ठीक है चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो आपका जो ईयर वन है और दूसरा आपका ईयर टू है ठीक है ईयर वन और ईयर टू में क्या चीज़ें क्या क्या गिवन है देखो आपको गिवन है कि आपने जो सेल्स करा सेल्स को आपको यूनिट्स गिवन है सेल्स के यूनिट्स यानी कि यहाँ आपने वन थाउजेंड यूनिट सेल करे फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में आपने ट्वेल्व हंड्रेड यूनिट्स करे प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन यूनिट्स में प्रोडक्शन भी यूनिट्स में दिया है कि आपने फर्स्ट ईयर में फोर्टीन हंड्रेड का प्रोडक्शन करा और यहाँ पे वन थाउजेंड का प्रोडक्शन करा अब आई एक बात सोचो फर्स्ट ईयर में आपने 1400 यूनिट्स बनाए मतलब 1400 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करे उसमें से आपने 1000 सेल कर दिए तो आपका कुछ क्लोजिंग भी तो बचेगा कितना बचेगा क्लोजिंग यूनिट जो आपके क्लोजिंग यूनिट्स होंगे वो कितने बचेंगे 1400 ठीक है क्योंकि आपने 1400 यूनिट बताए बनाए लेकिन सेल करते टाइम आपने सिर्फ 1000 थाउजेंड भेजे चार सौ कहाँ गए फोर हंड्रेड कहाँ गए तो 400 आपके क्लोजिंग यूनिट्स होंगे ठीक है अब सेकेंड ईयर में अब अगर आप देखोगे तो आपने प्रोडक्शन 1000 थाउजेंड यूनिट्स का करा लेकिन आप सेल कैसे कर सकते हो 1200 हंड्रेड यूनिट तो सिंपल सी बात है कि जो आपका फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट है वो सेकेंड ईयर के क्या बन जाएंगे ओपनिंग स्टॉक यूनिट बन जाएंगे तो बेसिकली आपका सेकेंड ईयर में फोर हंड्रेड ओपनिंग हो गया बारह सौ आपने प्रोड्यूस सॉरी वन थाउजेंड आपने प्रोड्यूस करे तो कितने हो गए फोर्टीन हंड्रेड फोर्टीन हंड्रेड में से आपने ट्वेल्व हंड्रेड बेच दिए तो सेकेंड ईयर में कितना का क्लोजिंग स्टॉक आपका बच गया टू हंड्रेड का बच गया ठीक है तो पहले आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है जो आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन दी हुई है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें आपकी ईयर वन और ईयर टू में तो आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कॉस्ट दी हुई हैं ईयर वन और ईयर टू में ये मैं क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन नहीं आपको समझा रही हूँ कि आप कैसे एनालाइज़ क्या कर रहे हो ठीक है कॉस्ट आपको दी हुई हैं आपको वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है सेवन हंड्रेड और सेव फाइव हंड्रेड तो ये क्या है पर यूनिट दिया होगा ना फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग दिया है फ़िक्स मैन्युफैक्चरिंग देखो ये वेरिएबल है ये फिक्स है तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब आप तो एब्जॉपन कॉस्टिंग करोगे तो तब उसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों लोगे लेकिन जब आप वेरिएबल कॉस्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपको फिक्स को इंक्लूड नहीं करना है इज दैट क्लियर तो ये कितना हो गया आपका सेवन हंड्रेड हो गया ये आपका सेवन हंड्रेड हो गया अच्छा वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ आपको वन थाउजेंड एंड ट्वेल्व हंड्रेड और आपको फिक्स दिया हुआ है फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दिया है फोर हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है राइट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया कि हम पहले आपके जो स्टॉक सेल्स प्रोडक्शन है उनको कैसे एनालाइज करेंगे एंड देन आपको कॉस्ट की ये दी हुई है नाउ आपको अब है कि आंसर निकालना है आपको इनकम स्टेटमेंट बतानी है एब्जॉपशन कॉस्टिंग के बेसिस में एंड वेरिएबल कॉस्टिंग के बेसिस में तो नाउ इट्स द टाइम ऑफ योर प्रेजेंटेशन की आप आंसर कैसे लिखोगे और आपको क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है तो सबसे पहले आपका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें हमें ए बनाना है आपका इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट बनाना है और इनकम स्टेटमेंट कौन सी कॉस्टिंग को फॉलो करके बना रहे हैं हम एब्जॉर्प्शन कास्टिंग को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखो यहाँ पे आपका ईयर वन की इंफॉर्मेशन लेंगे क्योंकि ईयर दो दो साल गिवन है ईयर वन रुपीज़ ईयर टू रुपीज़ ईयर टू रुपीज़ है ना चलो ठीक है ये सब तो बात है अब मुझे आप एक बात बताओ आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है प्रॉफिट निकालने का तरीका तो आपको पता होना चाहिए कि हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं प्रॉफिट कैसे निकालते हैं प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है मुझे बताओ देखो मैं आपको एक बार प्रॉफिट निकालने का वो बता देती हूँ कि प्रॉफिट रिवाइज करा देती हूँ देखो सबसे पहले जो है वो आपका प्रॉफिट निकालने के लिए क्या आता है प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करते हो सबसे पहले आप देखते हो कि आपकी सेल्स कितनी हुई है है ना सेल्स सेल्स में से आप क्या माइनस करते हो बेसिकली आप सेल्स में से क्या माइनस करते हो सेल में से आपकी वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है ठीक है तो आपका आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है कॉन्ट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आता है आपका फ़िक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद बेसिकली आपका क्या जाता आ जाता है प्रॉफिट आ जाता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट तो आपका क्या जाता आ जाता है प्रॉफिट आ जाता है सिंपल तरीका ये होता है ठीक है लेकिन अगर आप वैसे बोलोगे तो अब इस वेरिएबल कॉस्ट में अलग अलग कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं इस फिक्स कॉस्ट में अलग अलग तरीके की फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं तो वही आपको देखना है लेकिन साथ में आपका ओपनिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन हो क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन हो तब कैसे करना है इसमें हम वो चीज़ें क्या करेंगे प्लस माइनस करेंगे है ना ठीक है चलो आप देखो आप एक बात बताओ कि आपने ना सेल्स करा सेल्स करा ये जो सेल हुई इस सेल में आपका ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड होगा क्योंकि आपने प्रोडक्शन सपोज वन थाउजेंड की करी लेकिन आपने सेल ट्वेल्व हंड्रेड का करा आपके पास ओपनिंग स्टॉक चार सौ पड़ा हुआ था जैसे हमने यहाँ डिस्कस करा यानी कि ये जो बारह सौ है इसमें आपका ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ठीक है टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर दिस थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है अब हम आ जाते हैं यहाँ प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन के साथ समझेंगे सबसे पहले आपको बताओ आपको क्या गिवन है आपके क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आप अगर आप देखोगे तो आपको सेल्स के यूनिट्स गिवन है तो सबसे पहले आप सेल्स निकाल लो सेल्स निकालोगे ठीक है सेल्स निकालोगे आप ईयर वन की तो कैसे निकलेगा आपने बोला कि आपने वन थाउजेंड यूनिट की सेल करी और उसमें क्वेश्चन में सबसे पहले लाइन पे ही दिया हुआ है कि आप कितने पे सेल करते हो को, उस प्रोडक्ट को तीन रुपये के हिसाब से तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा थ्री थाउजेंड की आपने सेल करी ठीक है ईयर टू में अगर आप देखोगे तो ईयर टू में आपने 1200 का सामान ट्वेल्व यूनिट सेल करे थ्री रुपीज़ के हिसाब से तो आपकी कितनी सेल होगी थर्टी सिक्स हंड्रेड ठीक है तो अब अगर आप देखोगे तो ये जो है ये आपका जो है इसको हम टोटल कर देते हैं कि ये आपका सेल आ गया ठीक है तो मैं इसको ए कर लेती हूँ टोटल ए कर लेती हूँ ताकि आपका ये थ्री थाउजेंड आ जाए हो सकता है पहले मैंने आपको ये अलग तरीके से कराया हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही तरीका फिक्स है ठीक है तो ये आप आपका आ गया अब मैं निकालूंगी कॉस्ट कितनी लगी फिर उसके बाद मैं सेल में से कॉस्ट को क्या कर दूंगी माइनस कर दूंगी ठीक है सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा देखो आपके ईयर वन में आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक आपका ईयर वन में नहीं है नील कुछ भी नहीं है ठीक है अब उसके बाद आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है मतलब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लोगे आप चाहे फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो क्यों फिक्स और वेरिएबल क्योंकि हम एब्जॉर्बन कॉस्टिंग से सॉल्व करें तो हमको दोनों कॉस्ट लेनी पड़ेगी ठीक है थीके? तो आपका अगर आप देखोगे तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है वेरिएबल दिया है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है सेवन हंड्रेड देखो सेकेंड ईयर की इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होएगी तो इसलिए मैं आ, कर रही हूँ अभी मैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं निकाल सकती मुझे पता है मेरा ओपनिंग स्टॉक जो है वो फोर हंड्रेड है फोर हंड्रेड यूनिट्स है लेकिन मेरे को उस फोर हंड्रेड यूनिट्स की कितनी वैल्यू है वो पता नहीं है ठीक है तो उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है इसकी भी वैल्यू आपकी यहाँ पे फाइव हंड्रेड है देन फिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये सेवन हंड्रेड है और ये आपका सेवन हंड्रेड है सेम सेम क्वेश्चन में दी हुई है ठीक है ओके तो आपका यहाँ पे अब आप इसको ऐड कर दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा फोर्टीन हंड्रेड आ जाएगा इसको अभी हम टोटल नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये पेंडिंग है ठीक है अच्छा उसके बाद अब आप आ जाओगे क्लोजिंग स्टॉक के इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे कि आपका ओपनिंग स्टॉक इतना था आपका मैन्युफैक्चरिंग पे इतना खर्चा लगा मैन्युफैक्चरिंग पे खर्चा लग लगने के बाद आपका जो है आ, वो यहाँ पे फोर्टीन हंड्रेड आ गया अब मुझे बताओ आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पहले क्यों ऐड करी क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो एट द टाइम ऑफ क्या करोगे प्रोडक्शन करोगे ठीक है आपको मार्केटिंग भी है लेकिन मार्केटिंग तो आप यहाँ नहीं ऐड कर सकते ना पहले होने का खर्चा है जब एक बार आपके फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकल जाता है उसके बाद आप मार्केटिंग करते हो उस प्रोडक्ट की तब वो खर्चा लगता है ठीक है अच्छा अब आपको यहाँ से आप इसमें से क्या माइनस कर दोगे कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है तभी तो आपका कॉस्ट ऑफ़ गुड सोल्ड आ जाएगा ना कि आपका जो आप बेचने जा रहे हो उसकी कितनी कॉस्ट होगी तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे को पता नहीं क्लोजिंग स्टॉक मुझे यूनिट्स में पता है कि मैंने जो है वो 1000 यूनिट्स का सेल करा और मैंने प्रोडक्शन 1400 यूनिट्स का करा था तो मेरे पास 400 जो है वो 400 यूनिट्स हैं लेकिन इट्स यूनिट्स को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा ठीक है कॉस्ट पर यूनिट आप कैसे निकालोगे देखो कॉस्ट पर यूनिट आप ऐसे निकालोगे कभी भी ध्यान रखना ठीक है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद की कॉस्ट है तो तो कॉस्ट पर यूनिट आपका निकालने का तरीका देखो क्या होता है यहां पे आपका ये वर्किंग नोट हो गया पहले आप निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ठीक है ईयर वन ईयर वन की निकालोगे देखो इयर वन की अगर आप देखोगे तो आप यहाँ बताओ ये यह जो चौदह सौ रुपये आए ये चौदह सौ रुपये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है ये चौदह सौ रुपये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है आपने कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करा है ये सारा वही तो खर्चा है है ना आपने कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करा है फोर्टीन हंड्रेड यूनिट्स को तो ये चौदह सौ रुपीज़ जो है वो कितने यूनिट्स का खर्चा है फोर फोर्टीन हंड्रेड यूनिट्स का है तो एक यूनिट पे खर्चा कितना हो गया है एक रुपये का खर्चा हो गया ठीक है एक यूनिट पे खर्चा कितना हो गया एक रुपये का खर्चा हो गया अब आप आपका क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल सकते हो कि आपका क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक जो है वो फोर हंड्रेड यूनिट्स है 400, ये सॉरी आपका यहाँ पे इसमें फोर हंड्रेड यूनिट्स है फोर हंड्रेड यूनिट्स और एक यूनिट्स का रुपीज कितना है? रुपीज वन तो कितना आ गया फोर हंड्रेड ठीक है तो ये आपका कितना आ गया यहाँ पे फोर हंड्रेड अब जो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है जो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है सेकेंड ईयर में वो किसकी वैल्यू हो जाएगी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी तो अब आप इसको टोटल कर लो ये आपका कितना आ जाएगा ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन तो सिमिलरली आप जो है वो सेकेंड ईयर की भी निकाल सकते हो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे सेकेंड ईयर की ईयर टू ईयर टू में जो ये आपके देखो ईयर टू में आप ध्यान रखना आप सिर्फ इन दोनों को लोगे ठीक है क्योंकि आपने प्रोड्यूस कितने यूनिट्स को करा था प्रोड्यूस आपने करा है वन थाउजेंड यूनिट्स को तो आप उसमें ये नहीं इंक्लूड करोगे ठीक है ये इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये इस ये वैल्यू आपके यहाँ से इधर आई है तो ये तो जो आपकी कॉस्ट लगी आपने सेकेंड ईयर में कितने प्रोड्यूस करा है वन थाउजेंड यूनिट्स तो ये जो कॉस्ट लगी है ये कितने पे लगी है वन थाउजेंड यूनिट्स पे तो आप इसमें फोर हंड्रेड इंक्लूड नहीं करोगे ठीक है क्योंकि फोर हंड्रेड ओपनिंग स्टॉक है आपका जो लास्ट साल का क्लोजिंग स्टॉक है वहाँ से आया है तो उस पर तो वन रुपीज़ की कॉस्ट थी लेकिन इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा मेरे को करना पड़ेगा ईयर टू में कि रुपीज़ ट्वेल्व हंड्रेड आपकी थी और ये ट्वेल्व हंड्रेड कितने पे आए थे वन थाउजेंड यूनिट्स पे आए थे तो रुपीज़ वन पॉइंट टू ज़ीरो आ गया स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि ये आपका यहाँ पे वन थाउजेंड यूनिट्स क्यों लेंगे क्योंकि सोचो आपको कि आपने सेकेंड ईयर में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें वन थाउजेंड यूनिट्स प्रोड्यूस करें ठीक है और आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हो कि सेकेंड ईयर में आपकी एक यूनिट की कितनी कॉस्ट पड़ी तो सेकेंड ईयर में तो आपने वन यूनिट प्रोड्यूस करें तो क्या आप उसमें ये 400 इंक्लूड कर लोगे नहीं क्योंकि आपने जो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें उसमें ये 500 और 700 रुपए लगेंगे ये तो लास्ट ईयर से आया ना आपका ठीक है तो ये आपका आ जाएगा 1.20 1.20 आ जाएगा तो उस साल का आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना बच गया 200 यूनिट्स बच गया 1.20 अब आप एक बात खुद सोचो उन्होंने बोला कि वो लोग यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ठीक है पहले जो आया पे, उसको वापस भेजेंगे तो आप ये बताओ जो सेकेंड ईयर है सेकेंड ईयर में आपके 400 सौ यूनिट्स आए ओपनिंग स्टॉक देन आपने प्रोड्यूस करा कितना 1000 तो जो आपने ये बारह सौ बेचे हैं इस 1200 में कौन से यूनिट्स इंक्लूड होंगे 400 ये इंक्लूड होंगे और बाकी के आपके जो हैं चार uh, सौ ये इंक्लूड होंगे बाकी के आठ सौ ये इंक्लूड होंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होगा इस वाला इसका चार सौ यूनिट्स होगा ना वो सॉरी दो सौ यूनिट्स होगा ना इसमें से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो ओपनिंग स्टॉक पहले आया वो चला गया ये बेच दिया मैंने बाकी जो मैंने प्रोड्यूस करे उसमें से मैंने 800 यूनिट बेचे तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना बच दो सौ यूनिट और ये 200 सौ यूनिट जो आपने इस साल प्रोड्यूस करे हैं वही बचे तो इसलिए उस पर रुपए का कॉस्ट लगेगा वन तो ये आपका रुपीज आ जाएगा ठीक है आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो टू फोर जीरो देन आप इसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ जाएगा वन थाउजेंड माइनस कर दो वन थ्री सिक्स जीरो आ जाएगा है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया आपका ओके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आने के बाद तो ये आपकी क्या आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई अब आप टोटल कॉस्ट निकाल लो टोटल कॉस्ट में निकालने के लिए क्या कर दोगे ऐड कर दोगे मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा जिसमें आपका वेरिएबल भी आ जाएगा और फिक्स भी आ जाएगा वन थाउजेंड ट्वेल्व हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी टोटल कॉस्ट जिसको आप बी दे सकते हो तो ये ट्वेंटी फोर हंड्रेड आ गया और ये कितना आएगा आपका लेट मी कैलकुलेट वन थ्री सिक्स ज़ीरो प्लस ट्वेल्व हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड या आपका आ गया टू नाइन सिक्स ज़ीरो अब आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो ए माइनस बी तो थ्री थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड थर्टी सिक्स हंड्रेड माइनस टू नाइन सिक्स ज़ीरो सिक्स फोर ज़ीरो समझ आ गया ये आपको कि आपने एब्जॉर्पन कॉस्टिंग का यूज़ करके कैसे निकाला अब इसी को इसी को हम क्या करेंगे हम क्या करते हैं इसी में ठीक है इसी में हम क्या चेंज करते हैं इसी में चेंज करेंगे वेरिएबल कॉस्टिंग के लिए ठीक है तो देखो आपका क्या क्या चेंज होगा पहले हम वो हटाएंगे यहाँ से यहाँ पे जो है वो आपका एब्जॉपशन कॉस्टिंग की जगह क्या लिखेंगे ऑब्वियसली एबजॉप्शन कॉस्टिंग की जगह हम क्या लिखेंगे वेरिएबल कॉस्टिंग लिखेंगे सेल्स वही आएगा ओपनिंग स्टॉक यहाँ से बदलेगा ओपनिंग स्टॉक ये हटाना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका आएगा लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से आपका क्या होएगा फिक्स जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से फिक्स जो है वो माइन यहाँ पे फिक्स नहीं आएगा ठीक है क्योंकि हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे ये फिक्स नहीं आया ओके देन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी ये अच्छा फिर यहाँ से आप हटा दोगे ये वाला फिक्स तो बेसिकली यहाँ से आपका ये नीचे का पोर्शन जो है वो चेंज हो जाएगा है ना तो इसको हम पूरा ही इरेज कर लेते हैं और जो चेंजेस हैं वो मैं रेड पेन से करती हूँ ठीक है ताकि आपके लिए क्लियरली तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्टिंग ओके ये वेरिएबल कॉस्टिंग आ गया सेल्स वैसा ही है ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कुछ नहीं आएगा ये वेरिएबल आएगा अब यहाँ टोटल भी चेंज हो जाएगा मैंने टोटल नहीं हटाया जो है आपका यहाँ पे तो मैं ऐसा करती हूँ यहाँ से हटा ही देती हूँ ठीक है ये सारा हटा देती हूँ ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो चलो ये हटा देते हैं ठीक है जी ओके तो ये हो गया अब इसमें आपका देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ तक आ गया ओपनिंग स्टॉक आपने लिखा वेरिएबल आपने लिखा ये वेरिएबल कौन सा वाला है मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो देन उसके बाद आप इसमें ऐड कर दोगे यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा सेवन हंड्रेड यहाँ भी हमें पता नहीं है कि कितना आएगा फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक आपका पर यूनिट चेंज हो जाएगा कैसे चेंज हो जाएगा यहाँ पे कर लेते हैं चेंज यहाँ पे चेंज कर लेंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का ठीक है यहाँ पे आपका जो यूनिट्स है वो कितना हो जाएगा सेवन हंड्रेड आ जाएगा क्योंकि आप आपकी यहाँ पे कॉस्ट कितनी आगी सेवन हंड्रेड आ गई ना तो ये आपका यहाँ पे ये बदल के कितना हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट फाइव और आपका आप क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट फाइव इंटू फोर्टीन हंड्रेड कितना आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक ज़ीरो पॉइंट फाइव इंटू फोर्टीन हंड्रेड का जीरो फाइव फाइव इंटू फोर हंड्रेड तो आपका एयर वन का जो है वो आ गया फोर हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट फाइव जीरो तो कितना आ गया क्लोजिंग स्टॉक टू हंड्रेड ठीक है तो आपका यहाँ पे आ गया इसमें से आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया यहाँ पे फाइव हंड्रेड अब यहाँ पे जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है ये इस साल का क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा है ना और साथ के साथ यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे आपका ये टोटल कितना आ जाएगा सेवन हंड्रेड आ जाएगा लेकिन जब आप सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे तो क्या होगा सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको यहाँ पे जो है ये क्रॉस करना पड़ेगा और कितना आ जाएगा आपका फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड इंटू बाय दिस तो ये भी आपका यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव आ जाएगा है ना और सेकेंड ईयर के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव इंटू कितने आपके बच गए टू हंड्रेड तो कितना आ गया वन हंड्रेड ठीक है तो ये कितना गया 800. आ गया आपका एट हंड्रेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया एक्ट क्लियर अब आप इसमें कौन सा खर्चा ऐड करोगे इसमें खर्चा करोगे ऐड करोगे मार्केटिंग का मार्केटिंग का ऐड करोगे मार्केटिंग में आपके कितने कितने खर्चे लगे लेकिन मार्केटिंग में आप सिर्फ कौन सा मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला कौन सा लोगे वेरिएबल वाला ठीक है तो कितना आ गया आपका यहाँ पे लेट मी चेक कितना है आपका वन थाउजेंड एंड ट्वेल्व हंड्रेड आप अपने क्वेश्चन को देखेंगे देन यहाँ पे आपका फिफ्टीन हंड्रेड और ये आ गया आपका टू थाउजेंड टू थाउजेंड आया नहीं यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने अरे यार ये माइनस करना था ना यहाँ पे तो ये आपका आ जाएगा सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड और ये आपका आ जाएगा एटीन हंड्रेड ठीक है ओके तो आपका ये कितना आ गया यहाँ पे आपकी ये क्या आ गई टोटल आपका ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया अगर आपको एक याद हो फॉर्मेट तो जो हम फॉर्मेट करते हुए आ रहे थे जो मैंने आपको बताया भी होगा ठीक है आपका फॉर्मेट क्या होता है आपका फॉर्मेट होता है सेल्स है सेल्स में से आप माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आप क्या आ जाएगा प्रॉफिट ठीक है सेल्स आप, आपको गिवन है वेरिएबल आप कॉस्ट आपको गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो जब आपको यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया तो इसको आप बी दे दो तो आपका क्या आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा ए माइनस बी तो थ्री थाउजेंड माइनस फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स हंड्रेड माइनस एटीन हंड्रेड तो कितना आ गया एटीन हंड्रेड इसमें से आप माइनस कर दो आपका फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट आपका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन भी सेवन हंड्रेड फोर हंड्रेड और सेवन हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड तो ये आपका क्या गया? आ गया प्रॉफिट आ गया ठीक है तो कितना आ गया आपका फोर हंड्रेड एंड यहाँ पे आ गया सेवन हंड्रेड तो एज यू कैन सी कि डिफरेंस कैसे होता है एब्जॉपन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग में आई होप आपको वो वन थाउजेंड यूनिट्स वाला फ़र्क समझ आया हो कि हम वन थाउजेंड यूनिट्स जो है यू uh, नो you know, कैसे लेते हैं क्यों लेते हैं यहाँ पे ये इन्वॉल्व क्यों नहीं करते हैं करके ठीक है अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो ओके सो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी आपका नेक्स्ट डाउट लेके आऊँ Till then next video, bye bye and take care.